ब्रह्मा दृष्टि टिकी सुरस्ती थे तो टिकी रह गई, दृष्टि हटी नहीं। लोचन लोचा ये हटी नहीं, लोचा हटी नहीं, वेखण दी लोचा हटी नहीं। और सुरस्ती जिड़ी इतनी ज्ञानवान सी, उन्हें देखे जिड़ी लोचा है भ्रष्ट हो गई है, ये जिड़ी दृष्टि है मैली है। भावें मेरा पिता है, दृष्टि मैली है, अखां दस देंदियां ने। अंदर क्रोध होवे अखां ही ते दस दियां, और कौन दसदा है। अंदर लोभ होवे अखां ही दस दियां ने, अगर किसी नूं पढ़न दी जा चाहे। सुरस्ती चूंकि सूझवान सी, उन्हें देख लिया, ओ सामने तो उठ के ना सज्जे पासे आण बैठ। और कहिंदे ते ने ब्रह्मे ने इधर मुंह बना लिया, नहीं हो सकदा मुंह इधर फेर लिया वे, इंज कीता होणा। और कहिंदे ने कथा विचकार बैठ के करदा सी, चारों पासे देवते बैठते सन, जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे देवते सन वो अगे बैठते सन, सामने बैठते सन, फिर उन्हां दे चेले उन्हां दे शिष्य वो पिछे बैठते सन और चारों पासे बैठते सन। तो ब्रह्मे ने हो सकदा मुंह इधर मोड़े होवे, इधर मुंह बन गए होवे, ये प्रकृति थोड़ी उल्ट गले हो गई होवे तो कह नहीं सकते, दावे नाल तो मैं हुण नहीं आख सकता। मुंह फेर लिया ते सुरस्ती ने देखे ते दृष्टि मेरे ते, वो सज्जे तो उठ के ना इधर खब्बे पासे आण बैठे। संगतां ते चारों पासे बैठियां सन, ब्रह्मे ने खब्बे पासे मुंह मोड़ लिया। दृष्टि फिर सुरस्ती थे, कहिंदे ने एक कौतक शिव जी ने देखिया, उन्हां नूं क्रोध चढ़ गया, बई इन्ना ज्ञानी, इतना सूझवान, इतना महान पंडित, ये कर की रहे है। जैसे सुरस्ती पिछे बैठी ना, वो पिछे अपने आप नूं मोड़ बैठा। कहिंदे ने त्रिशूल नाल ब्रह्मे दा सिर ही वड दिता। लंबी चौड़ी कथा है, फिर किवें जुड़िया ब्रह्म हत्या लगी शिव जी नूं। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, चारे वेद वखाण दा चतुरमुखी होए खरा सियाणा। भाई साहब भाई गुरदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएं दा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। उम्र करके बिरध हो चुकिया सी, बुढ़ा हो चुकिया सी, लेकिन मैं उस दिन अर्ज कीती सी, लोभ बुढ़ा नहीं आउंदा, हंकार बुढ़ा नहीं आउंदा, काम बुढ़ा नहीं आउंदा, शरीर बुढ़ा हो जाता, शरीर बिरध हो जाता। सारे कानपुर दे वासी जानदे ने, बहुत एक लंबे दाड़े वाला बुजुर्ग बाबा, वो मेरे मित्रां से, हालांकि उम्र करके तो दादियां वर्गा सी, मैं पुरानी गल दसदा, गुजर चुके 30-40 साल पुराने। फिर उन्हें 88 साल दी उम्र दे ब्याह कराया, खरीदी एक गरीब घराने दी बच्चे। शुगल जी मैनू कहन लगे, इनू समझाओ, हुण ते इनू नाल रखना ते इहदे नाल चलना लोकी उंगलां उठांदे ने। मैं कह ब्रह्मे दी कथा नहीं पढ़ी, मैं शुगल जी नू समझाया, ते जे ब्रह्मा भ्रष्ट हो सकदा है ते उहदे चेलियां वर्गा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इहदे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा भ्रष्ट हो गया, चारे वेद वखाण दा 75 साल दी उम्र विच गोरख दा गुरु मच्छंद्र नाथ भ्रष्ट होया,
सारी जिंदगी त्याग दे च बतीत कीती, 75 साल की उम्र दे च ब्याह कराया, वह भी एक वेसवा नाल, एक नर्तकी नाल। गोरख ने कह दिता सी, गुरदेव साडा ये धर्म पंथ जुगा जुगांतरां तक चलना सी, तुहाडे भ्रष्ट होण करके हुण नहीं चलेगा। वाकई नहीं चलिया, रह गया। भाई साहब भाई गुरदास जी ये भी लिखते हैं, गोरख जती सदाएं दा तिस गुर घर बारी, की होया तू जती है, अपने गुरु को पुछो की है। भाई साहब भाई गुरदास जी, तेरा गुरु तो बुढ़ेपे च भ्रष्ट होंगे, चारे वेद वखाण दा चतुरमुखी होए, खरा सियाणा लोकां नू समझाएं दा, वेख सुरस्ती रूप लुवाणा, इत्थे इंद्र ते ब्रह्मे दा इस वाशना करके भ्रष्ट होने का जिक्र श्री रविदास जी महाराज कर रहे हैं। हम कईयत कलयुग के कामे, इस आधार बना के भगत रविदास खुलासा जो है करी जाते हैं। हाँ जी, इन दूतन खल बद कर मारे हो, इन्होंने काम दे दूतों ने मारिया ऐसा जिमें खल नू मूर्ख नू मारी दे, भाव मूर्ख बना दिता। काम ने इन्ने स्याणे मनुखां नू मूड बना दिता, इतना चतुरमुखी स्याणे नू, चौवां दिशा की गल जानन वाला, हर पासे की गल जानन वाले नू मूड बना दिता। वो इंद्र इतना शक्तिशाली, इनू मूड बना दिता, और खूब मार इन्हां दे उत्ते पई रब्बों। हाँ जी, बड़ो नीला आज हो नहीं हारे हो, रविदास कहंदे ने मन बड़ा निर्लज है, बड़ा निर्लज है, इतनी मार खा के भी हार नहीं मनता, नहीं मनता, भावें जन्मां जन्मांतरां दे दुख होवन, ये निर्लज है, नहीं मनता, ये हार नहीं मनता, हार नहीं मनता, और उसे ही वासना अधीन अनर्थ करी जांदा है, करी जांदा। हाँ जी, कहे रविदास कहाँ कैसे कीजा, हे प्रभु, रविदास जी कहने न, दसो मैं हुण की करा, इन्ने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली, जो गल ब्रह्मे नाल है गुस्ताखी माफ, यही गल शिवजी नाल भी है, यही गल विष्णु नाल भी है, हैरानगी है, विश्वामित्र नाल भी है, श्रृंगी ऋषि नाल भी है,